हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज का व्लॉग है हमारा किचन टूर। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी किचन दिखाऊंगी, फ्रिज, क्लॉजेट्स एंड एवरीथिंग, हाउ डिड आई ऑर्गेनाइज माय किचन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी शेल्फ से, कि व्हाट्स ऑन माय शेल्फ लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है टोस्टर, क्योंकि ज़्यादातर हम इसे यूज़ नहीं करते, कभी कभी करते हैं लाइक वीक में एक दो बार। दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट इट हियर, कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता तो उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारी डिश वॉश के, अभी वैसे मैंने सारे बर्तन साफ करके ड्राई करके रखे हैं, थोड़े से रह गए हैं। उसके बाद है हमारा सिंक, काफ़ी साफ है, एंड हमारा डिश वॉशर। आई लव यूजिंग दिस ग्रीन एप्पल फ्रेग्रेंस डिश वॉशर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। वैसे मैंने अमेजोन से ऑर्डर करना था जो लाइक ये क्या बोलते हैं इसको, स्पंज को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक होल्डर लगता है, अमेजोन से ऑर्डर करना था, बट नाउ मेरी अमेजोन प्राइम खत्म हो गई है एंड मैं भूल गई। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस प्लास्टिक टपरवेयर थिंग टू होल्ड इट। एंड उसके बाद मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट फ्रूट लाइक फ्रेग्रेंस हैंड वॉश, एंड दैट्स रेसबेरी। एंड मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी एक फेक प्लांट रखा है। वैसे मैं जाती थी कि अमेजोन से वो भी ऑर्डर करूँ, लाइक वो होता है ना पेपर टॉवल को होल्ड करने के लिए एक स्टिक सी होती है कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे साइड पे लगा सकती हूँ मैं, तो पेपर टॉवल उसमें ऐसे होल्ड हो जाता है, तो वी जस्ट नीड टू डू लाइक दिस। बुआ जी के घर पे है, पर आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन नाउ। एंड नेक्स्ट इज दिस वुडन थिंग, आई डोंट नो ये मैंने कहीं से नहीं बाई की, ये थी मनिंदर के पुराने घर में, तो वहाँ पे ऐसी पड़ी थी। देन आई थॉट कि हम इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉक रखने के लिए, नाइफ्स एंड स्पून्स। इसमें भी मैंने एक, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट, लाइक अमंग ऑल द फेवरेट प्लांट्स इन आर हाउस दिस वन इज़ माय फेवरेट। एंड इसको मैंने इस पे रखा है, और इसमें है सॉल्ट एंड पेपर, रेड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। नेक्स्ट इज किचन की एक जरूरी चीज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाय का सामान। इसमें है हमारे टी बैग्स एंड शुगर कंटेनर, एंड उसके बाद हमारा आता है गैस एंड पैन, यहाँ पे लैंप है इसके ऊपर, और इसके बाद ये गैस है या क्या, स्टोव है, क्या बोलते हैं इसे? Oh, I mean, this is called a stove, but in India में हम गैस बोलते हैं, that's why I'm calling it like a gas. So it's not like a gas stove, it's a electrical stove. Oven, जिसको हम कभी भी यूज नहीं करते। ओवन में रखे हुए हमने बर्तन, जा फिर हम इसको कुछ भी लाइक बेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, या कह दिया था इसलिए मुझको सेंटेंस जोड़ना पड़ा। I never used it before. Maybe I will. ये छोटा सा towel, hand dry करने के लिए। वैसे तो मैंने last vlog में भी दिखाया था कि जैसे last part होता है gas के, like stove के नीचे, वैसे तो जो like oven की trays वगैरह रखने के लिए होता है, but I'm using it to put all the sandwich maker, big dishes and all. And then move to the shelf again, microwave again, little fake plants and bananas. Which That's are, not a plant, huh? I mean, oh my god, I mean fruits. Because इतने plants बोल रही थी ना मैं, तो इसीलिए मैंने fruits को भी plants बोल दिया. And then shelf is over, और उसके बाद हम move होते हैं हमारी closets में, क्या है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लॉजेट्स में क्या है। तो सबसे पहली क्लॉजेट, दिस इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू किचन क्लॉजेट, लाइक किचन का सामान नहीं है इसमें, तो दिस इज ऑल मेडिसिन क्लॉजेट, जिसमें हमारी सारी मेडिसिन, बैंडेज, मल्टीविटामिन्स, खांसी की दवा, या आई ड्रॉप्स, एंड ऊपर मैंने रखे हैं जैसे प्लास्टिक बॉक्सेस और मास्क अगर हमें ज़रूरत पड़े, एक्स्ट्रा मास्क। और इसके नीचे की क्लॉजेट में कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट सम मैनुअल्स, हमारे जो भी हमने फर्नीचर असेंबल किया था उन सब के मैनुअल्स मैंने संभाल के रखे हैं कि मे बी फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़े, लाइक जो भी हम चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कि कोई भी
चॉपर और ब्लेंडर उसके बॉक्सेस यहाँ पे रखे हैं कि बिकॉज इनकी वारंटी होती है इसीलिए मैंने संभाल के रखे हैं। एंड मॉप बकेट ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती मैं इसको, नथिंग टू एक्साइटेड इन दिस। एंड देन सिंक के नीचे की क्लोजेट में है हमारा ट्रैश कैन, रिसाइकल बिन एंड सम क्लीनिंग सप्लाईज, तो ये सब मैंने इकट्ठा रखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन मूव टू अनदर वन, आई थिंक दिस वन, ये तो रह गई थी। देखिए हमने कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। यहाँ पे है ओटमील, चिप्स, दाल सभी प्रकार की, फिर बॉर्नविटा, चीटोस, एंड देन दीज ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, ड्राई फ्रूट मैंने एक में रखे हैं, कोकोनट ऑयल और जो भी बड़ी पैकेजिंग होती है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट हियर। दिस लुक्स सो गुड। ओटमील का जो बड़ा बॉक्सेस है, पॉपकॉर्न का, चिप्स का, तो आई जस्ट पुट इट हियर। एंड दालाशा and then move to next one. This is all about the dishes. यहाँ पे हमारे सारे dishes रखी हैं, dining set and glasses, mugs and blender. इसे क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। इसको plate, bowl. हाँ, हिंदी में। कौली। कटोरी। कटोरी। मैंने देख लिया था कि तुम बोल नहीं रही, से इसका मतलब पता नहीं है। And smoothie cups. Yeah, and same mugs. I think someone is calling you. Let's pick the phone up. Monica, मैं तेरे थोड़ी देर time बात कर दूँगा। Monica का phone था। आटा, प्याज, potatoes and oil, rice and बेसन सब खाने वाली बड़ी-बड़ी packing जो daily use होती है। हाँ, daily use होती है जैसे प्याज and आटा। Rice हो गया। Rice। और इस closet में क्या है? मुझे भी अभी पता चलेगा क्योंकि मैं kitchen में इतना नहीं आता हूँ। सबसे ऊपर पड़े हैं गोल गप्पे। अगर आप चाहते हैं कि हम गोल गप्पे वाला चैलेंज करें तो कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद शरण के ये बिस्किट्स, ऑलमोस्ट 1 month हो गया है, मुझे पता नहीं लोग बिस्किट लाकर कैसे 1 month तक रख सकते हैं। अगर मैंने अपने फेवरेट खरीदे होते तो लाइक 2-3 दिन में सब खत्म हो जाते। उसके बाद है ये ब्लेंडर जो वेजिटेबल्स को क्रश वगैरह, क्या बोलते हैं इसे, चॉपर। See, that's why I don't go to the kitchen. You know what, I will tell them. No. You hold the camera. Okay. So we have desi ghee, bundi to put in the dahi, curd, yogurt. Uske baad hai hamare paas food color, hing, so many other little things that little, makes little the thing. Kitchen and complete. Spices. And then we have this noondani. लूनदानी जो के वैसे हम सारे पंजाबियों के घरों में होती है, हल्दी मिर्च नून सब कुछ बनो याद आ गया। आप जोड़ क्यों करते होते नून मिर्च होती है। जैसे ये किचन है, अगर मैं अपनी माता जी के बारे में सोचूं तो उनका बहुत सपना था कि उनके पास बहुत अच्छी किचन हो, लेकिन हमारा जो पुराना घर है गाँव में उसमें बहुत एक छोटी किचन थी, जहाँ पे अगर मुझे एंटर होना पड़ता था तो मैं ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, मैं किचन में कुछ भी खाना होता था। अब उनके पास बहुत ही अच्छी किचन है, हमारा जो नया घर है वो बहुत बड़ा है, रूफ बहुत बड़ी है, तो उनके पास अब उनकी लाइक किचन जो वो हमेशा से चाहते थे उनके पास वो है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ एंड शी ऑलरेडी हैज दिस अमेजिंग किचन। किचन वाज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स इन आवर बेसमेंट, दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर दिस बेसमेंट। क्योंकि किचन का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ही स्पेशियस, क्या बोलते हैं वो है, बहुत ही यहाँ पे रूम है और काफी ज्यादा लाइट्स भी हैं। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे है बेलना जो कभी कभी रोटी बनाने का सारा सामान एंड चॉपिंग बोर्ड एंड फ्रूट कटिंग बोर्ड। हमारा फ्रूट कटिंग बोर्ड इज माय फेवरेट एंड दिस इज आल्सो यूज्ड एज वेपन समटाइम्स, नॉट इन दिस हाउस बट इन सम हाउसेस, कभी किसी किसी घर में एक हथियार की तरह यूज किया जाता है। एंड वी हैव मेनी चॉपिंग बोर्ड्स, सो ये वाला है वेजिटेबल के लिए, नीचे पड़ा है वो है अपना फ्रूट्स के लिए, ये आटा गूंदने वाला, और यहाँ पे बनती है रोटी। ऐसा क्या यूज होता है ये चकला। नीचे आते हैं, नीचे पड़े हैं हमारे बहुत सारे बर्तन, अगर हमें खाना पैक करके लेके जाना हो तो हम इन कटोरियों में लेके जा सकते हैं। कटोरियों, ग्लास कंटेनर और उसमें है एक्स्ट्रा मसाले। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक, इसमें कुछ भी रखो सब कुछ चो जाता है, वॉश करना बहुत आसान है। वी यूज इट लाइक स्ट्रेनर लाइक। और यहाँ पे पड़े हैं लंगर वाले थाल, अगर मतलब कुछ गेस्ट आ जाए तो वैसे थाल है जिनमें मल्टीपल कटोरियां बनी होती हैं। और ये हमारे सारे मसाले, अगर आपने मसाले डालने तो इसे उठाओ यहाँ पे रखो, जो भी मसाला डालना डालो रख दो। यहाँ पे साथ अगेन कुछ मसाले हैं, सब लेट शरण
टेल यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किचन एंड देन गैस के ऊपर जो क्लोजेट है उसको वैसे मैं यूज कभी भी नहीं किया उसको क्योंकि उसमें ये पाइप है और ये इलेक्ट्रिकल थिंग है और मेरा हाथ भी नहीं वहां तक पहुंचता इसीलिए ये खाली है एंड नेक्स्ट इज ऑल अबाउट टी एंड कॉफी थिंग तो यहाँ पे मेरे सारे कॉफी मग्स हैं तो ऑलमोस्ट ज्यादातर इसमें कोई भी दो कप एक जैसे नहीं है वो लास्ट वाली को छोड़कर हाँ जी क्योंकि ये सारे गिफ्टेड हैं सिर्फ मैंने ये बाय किया है एंड दिस वन दैट्स इट दीस टू आई बॉट आई लाइक दिस वन हाँ जी सो आई बॉट दीस टू एंड दीस ऑल आर गिफ्टेड एंड मनिंदर को ये गिफ्ट नहीं था इन्होंने पुरानी कंपनी में से पुरानी कंपनी में से उठा के ले नहीं उठाया नहीं हमें देते हैं वो सी बात नहीं है कौन से फेस्टिवल पर आपको गिफ्ट किया नहीं व्हेन यू लाइक गेट इनटू अ कंपनी दे गिव यू अ कॉफी मग ओके 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 एंड मुझे ये सारे गिफ्टेड हैं एंड आई लाइक दिस वन ये मुझे आई थिंक ग्रेड 12 में मुझे बर्थडे पे मिला था एंड आई लाइक दिस वन और इसके साथ ही है जूस ग्लास और उसके ऊपर सारा खांड शक्कर आई चीनी इलायची ग्रीन टी बैग ब्राउन शुगर ग्रीन टी हमने कभी नहीं पी ये क्यों है हमारे पास एक दिन भी नहीं पी मैंने मैंने तो रखी है जी आपकी चॉइस है आप पियो ना पियो सो ग्रीन टी बैग्स ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर इलायची एंड दिस थिंग इज टू लाइक क्रैश द लॉन्ग इलायची Crash the plane होता है. Crash the long legs. Yeah. And then we have chai patti on the top, red label. Then again big packings for पर वहाँ से हम इस container में fill कर लेते हैं. क्योंकि वहाँ पे daily मेरा हाथ मेरे कैसे जाना पड़ता है उसको. अगर daily वहाँ से उठाना पड़े. And then last closet. आपको एक छोटी सी क्यूट सी चीज दिखाना चाहूंगी मेरे किचन में मुझे किसी यूरोपियन लेडी ने ये गिफ्ट की थे एस्प्रेसो कप मेरी हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं है बट आई एम ट्राइंग सो यस दैट्स व्हाट मैटर्स यस सो आई थिंक ट्राई करने से अच्छी हो जाएगी एंड दीज आर एस्प्रेसो कप एंड आई लाइक दीज वन बिकॉज पहले तो मनिंदर तो बोल रहे थे इनको फेंक दो इसका क्या यूज है बट आई थॉट इट्स रियली क्यूट सो आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर मैंने हमेशा लगा था भी गिर जाना चाहिए कदा कप No, and then move to freezer. Freezer में है ice cream, veggie patties, and hash browns, we vegetables, are pure frozen vegetarian vegetables. People. So yeah, these all are vegetables. Not sure about that. Yes, I am. hash brown, ice creams, and some frozen veggie patties. Lot of veggie patties here. यहाँ पे काफी ज्यादा सामान है जैसे कि पहले डोर दिखा देते हैं जी सो बटर द स्प्रेड थिंग जो भी हम बेगल पे स्प्रेड करके लगाते हैं आई थिंक सॉल्ट और बटर जैसा होता है एंड देन जूसेस ड्रिंक्स एंड नीचे की तरफ है ऑल द सॉसेस तो ये पेप्सी ऑरेंज जूस क्रैनबेरी जूस पपाया एंड मिल्क एंड यहाँ पे हम मिल्क ऐसे रखते हैं यहाँ पे पैकेट में आता है एंड उसको इस जग में डालते हैं कट करते हैं एंड देन वी यूज इट एंड देन नीचे के दो ड्रॉअर में एक में तो ऑलवेज हमारे मिल्क पैकेट होते हैं एंड दूसरे में सारी लीफी वेजिटेबल्स लाइक जैसे कोरिएंडर अभी कैबेज लेटस ग्रीन पेपर और उसके ऊपर है योगर्ट पनीर एंड थोड़ी सी और सब्जियां मिडल शेल्फ में मैं सारे ज्यादातर फ्रूट्स रखती हूँ जैसे ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरीज बट इंक्लूडिंग क्यूकम्बर्स एज वेल ऊपर की तरफ है जो भी मैं लाइक सब्जी वगैरह मुझे पैक करके रखनी होती है आटा सब्जी दाल लाइक कंटेनर में वो सब यहाँ पे रखती हूँ एंड ब्रेड्स एज वेल एंड द बर्गर बंस आई लाइक बर्गर बंस नो यू डोंट यू जस्ट लाइक बर्गर्स और उसके बाद ये हमारी सपोर्ट क्लोजेट तो रहेगी ड्रॉर्स बताओ फिर सबसे ऊपर वाली में है जस्ट रैंडम थिंग्स लाइक कड़छी This plastic thing and knife. क्या बोलते हैं? Spatula. 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 Yeah.
हाँ जी बॉटम क्लीनर ब्रश इसके बॉटम में डालो और ऐसे साफ करो एंड जस्ट नैपकिन एंड देन इसके नीचे वाली में है सारा ब्रेकफास्ट का सामान जैसे नॉट लाइक ब्रेकफास्ट विद द अर्ली टी आप जैसे चाय के साथ कुछ भी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे है रस बेगल्स मफिन्स आई फॉरगॉट अबाउट मफिन्स यस एंड देन वी हैव कुकीज हल्दी अराम कितने शब्द भूल जानी है थर्ड क्लोजेट में भी सारे स्नैक्स ही हैं जैसे पास्ता दिस गच्चक और ये भी पड़ा है आपको एक दिन ये बना दूंगी मैं जी And then we have noodles here. Noodles, chocolate chip bar. I mean, lot of stuff. So bundi and. But then we have only last. इसमें just random things. जैसे garbage. Random things क्यों है? Garbage bags, aluminium foil. And ziplocks and sponges, extra strainer and this is a. Oven mitt. The thing to. Oven mitt. हाँ oven mitt but the thing to take out the things out from the oven. Yeah. Hot. I think that Hot explains better than mine. Yeah, see? And I was just joking. Shelf साफ करने के लिए extra napkins or clothes. And that's it, I think. कोई drawer रह तो नहीं गया जी हमारी किचन में से? हैं जी? I don't know. I don't think so. I think almost I included everything. तो ये था हमारा किचन टूर आई होप आपको मेरी किचन पसंद आई होगी हमारी किचन आपकी भी किचन और आपकी भी किचन हमारी किचन क्योंकि हमारी किचन अभी उनकी किचन भी है वो भी हमारी फैमिली है तो वेलकम टू खाना खजाना वैसे मैंने वीडियो में कई वर्ड आई थिंक गलत प्रोनाउंस किए हैं तो सॉरी अबाउट दैट तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी आज वाली आपको ये किचन का टूर वाली वीडियो कैसी लगी अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहेंगे तो हम लाइक सिमिलर टॉपिक्स पे वीडियो और भी बना देंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड जल्दी जल्दी 100K कीजिए बिकॉज देन आई विल पोस्ट अ बिग सरप्राइज वीडियो आई एम सो एक्साइटेड सरप्राइज आई थिंक दे नो व्हाट इज द सरप्राइज नो सो ओके गाइस लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सत श्री अकाल अग्गे जी रब रख हां